हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। आज आपके सामने मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू लेकर के आया हूँ। ड्यूरिंग माय टीचिंग करियर मैंने बहुत बार स्टूडेंट से ये सुना है कि सर बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या है, क्या इससे फ़ायदा होगा, क्या इसमें आने से कुछ हमारा बेनिफिट हो सकता है एज़ कम्पेयर टू CS, IT, इन सब फील्ड्स के कंपेरिजन में बायोटेक्नोलॉजी कुछ देता नहीं है, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस तरीके के बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे क्लेम्स करते हैं क्योंकि उनकी भी सुनी सुनाई बातें होती है और बहुत सारी चीज़ें उनको पता नहीं होती। आज मैं आपके सामने एक चीज़ लेकर के आया हूँ, एक न्यूज़ आर्टिकल लेकर के आया हूँ इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, और ये न्यूज़ आर्टिकल काफ़ी रिसेंट है। जुलाई 2023 को ये न्यूज़ आर्टिकल आया है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जुलाई 2022 को। यहाँ पे इस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में लिखा हुआ है, IIT मद्रास प्लेसमेंट्स बायोटेक्नोलॉजी हाईएस्ट एंड एवरेज CTC टोटल ऑफर्स इन पास्ट 5 ईयर्स। तो ये न्यूज़ आर्टिकल 5 साल में जो IIT मद्रास के बायोटेक्नोलॉजी के प्लेसमेंट्स हैं उनको हाईलाइट कर रहा है। चलिए देखते हैं और देखते हैं कि क्या सच में बायोटेक्नोलॉजी में अच्छे प्लेसमेंट्स मिल सकते हैं और हाईएस्ट प्लेसमेंट्स कितने के मिलते हैं, इस बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहली लाइन है वही दिखा रही है कि शुरुआत में यानी कि 2017-2018 के टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी का जो एवरेज प्लेसमेंट था वो 11.6 लाख पर एनम गया हुआ था, लेकिन ये बढ़ करके 16.96 लाख पर एनम हो चुका है 2021-2022 के टाइम के हिसाब से। बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल में दी हुई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर मैं IIT मद्रास के बारे में बात करूँ, ये बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, आप भी जानते होंगे कि वन ऑफ़ द बेस्ट IITs है। तो बेसिकली मुझे इसके बारे में बताने का यही मोटिव यही है कि अगर आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में हैं, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं तो नो डाउट आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी ही मिलेगी। बट अगर अनफॉर्चुनेटली आप अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं भी हैं, तब पर भी आपको प्रयास करना चाहिए पर्सनल लेवल पर कि आप अलग अलग इंस्टीट्यूट से या अलग अलग जगहों से अपनी प्रोफाइल को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आपको बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज़ या बहुत अच्छी जॉब ऑफर हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं IIT मद्रास के बारे में अगर बात करूँ तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था और 2021 के डेटा के हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के पास अब 4 डोमेन्स हैं। एक है बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोमोलिकुलर साइंसेज, इसके अलावा कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। तो ये बेसिकली 4 डोमेन्स यहाँ पे मौजूद हैं इन IIT मद्रास और यहाँ पे 33 मेंबर्स की फैकल्टी है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, जहाँ पे 60 मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट MTech या MS के पढ़ रहे हैं, 200 के अराउंड डॉक्टरल स्कॉलर्स हैं, 30 पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलर्स हैं और 13 टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो IIT मद्रास में मास्टर ऑफ साइंस MS बाय रिसर्च का कोर्स भी होता है, PhD का प्रोग्राम भी होता है, MTech क्लिनिकल इंजीनियरिंग भी होता है और इसके अलावा MTech प्रोग्राम इन बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग भी होता है। अब मैं बात करता हूँ वहीं प्लेसमेंट्स के बारे में। IIT मद्रास का प्लेसमेंट 11.6 लाख रिकॉर्ड किया गया था 2017 और 18 में, जो कि बढ़ करके 16.96 लाख हो चुका है 2021-22 में। 2018-19 के दौरान ये जो एवरेज प्लेसमेंट था वो ₹11.58 लाख पर एनम गया था। उसके बाद कोविड ईयर्स के बाद जस्ट यहाँ पे काफ़ी स्टडी इंक्रीज़ देखने को मिला, 12.73 लाख बढ़ करके हुआ, फिर 2019-20 में 14.26 लाख पर एनम हुआ और अब 2021-22 में 16.96 लाख पर एनम ये जा चुका है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, 2017-18 में 11.6, 11.58, 12.73, 14.26 और 16.96 लाख यहाँ पे एवरेज जो गया हुआ है आपका प्लेसमेंट। अगर मैं बात करूं कि बायोटेक्नोलॉजी में, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में IIT मद्रास के कितने स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं, शुरुआत में 44-31, तो इनिशियल ईयर्स में ये कम रहा है, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो 67 स्टूडेंट्स 2021-22 बैच में ये प्लेस हो चुके हैं। अगर मैं बात करूँ कि जॉब ऑफर्स की बात करूँ तो 67 जॉब ऑफर्स बीटेक बायोटेक्नोलॉजी को स्टूडेंट्स को मिली है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो 54 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, मे बी बाकी स्टूडेंट्स ने ऑफ़र नहीं लिया होगा। तो अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल प्लेसमेंट्स की बात करूँ, द प्लेसमेंट परसेंटेज वॉज 56 इन 2021-22, तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स IIT मद्रास में प्लेसमेंट ले चुके थे। मैक्सिमम पैकेज जो गया था वो 35.22 लाख पर एनम गया हुआ है। आप देख पा रहे हैं 35.22 लाख का मतलब आप समझ रहे हैं कि 2 लाख पर मंथ से भी ज़्यादा की सैलरी उठा रहा होगा वो इंडिविजुअल और इनफैक्ट ऑलमोस्ट
3 लाख पर मंथ की सैलरी वो इंडिविजुअल उठा रहा होगा, 35.22 लाख पर एनम का पैकेज गया हुआ है 2021-2022 में। तो आप देख सकते हो कि अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से हो, अगर आप वेल अवेयर हो सिचुएशन की और वेल अवेयर हो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं या कौन कौन सी कंपनीज़ आपको जॉब दे सकती हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, इंटरव्यूज़ अच्छे से दे रहे हो, तो कोई रीज़न समझ में नहीं आता कि आपको बहुत अच्छी जगह से जॉब ऑफर ना मिल जाए। हो सकता है आपका इंस्टीट्यूट IIT के लेवल का ना हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप पर्सनल लेवल पे जॉब ऑफर्स जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बायोकॉन है, सीरम इंडिया लिमिटेड है, इसके अलावा भारत बायोटेक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि अपने जॉब पोर्टल्स ओपन करते हैं और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी और डिपेंडिंग अपॉन योर कैलिबर एंड डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन वो आपको कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बहुत सारे मिसकंसेप्शन है वो दूर हुए होंगे। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ समय पहले तक बायोटेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं देखने को मिल रहा था, उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे रिसर्च की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह भी बढ़ने लगी हैं, कुछ PhD में भी लोगों को स्कॉलरशिप इंक्रीमेंट हो गई है, तो उसकी वजह से देखने को मिल रहा है कि अब बायोटेक्नोलॉजी के में भी थोड़ा बहुत बूम देखने को मिल रहा है और बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रही हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो देख करके आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।